नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। हम खासकर उन लड़कियों के पास पहुंच रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा में जाती रही हैं, डेरा सच्चा सौदा को बहुत नज़दीक से देखा है, जानते हैं कि उनका क्या कहना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा के बारे में। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? रीमा। रीमा जी, क्वालिफिकेशन क्या है? बीएड। करंटली क्या कर रहे हैं मैम? जॉब करती हूँ मैं टीचिंग में। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? हम बिल्कुल छोटे थे, मेरे मोम डैड सासत नाम जी महाराज के टाइम पे आने लगे हैं और मैंने 1994 में नेम नाम लिया है, तो हम तब से आने लगे हैं। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम। क्या मैम 2017 के बाद भी आप वहाँ पर जाते हो? बिल्कुल जाते हैं। माहौल कैसा है मैम आश्रम? बहुत ही अच्छा माहौल है। बीइंग गर्ल? हाँ जी, गर्ल्स का तो अपने पूरे सिटी इंडिया में कहीं भी नहीं है जैसा माहौल हमें डेरे मिलता है मैम। लेकिन 3-4 साल पहले की बात करें, मीडिया में बहुत अलग दिखाया जा रहा था। पता नहीं मीडिया वाले जो सच होता है वो नहीं दिखा पाते, और ये झूठ पता नहीं मीडिया वाले इतना फैला रखा है ना, पता नहीं क्या क्या उन्होंने, बिल्कुल ही झूठ है ये। 1% कुछ भी नहीं है। डेरा तो सबसे बहुत ही बेस्ट है गर्ल्स के लिए। मैम, जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल झूठे हैं। हम कब से आने लगे हैं? सासत नाम जी महाराज के टाइम पे हम आने लगे हैं। मैं बिल्कुल छोटी सी थी तब, पिताजी ने मेरे, हम 5 बहनें हैं तो, और ब्रदर नहीं हो रहा था, जैसे भी हम आए तो पिताजी ने, मैं रोने लगी थी बिल्कुल छोटी सी थी, तो पिताजी ने मुझे फ्लावर दिए और उसमें पता नहीं क्या राज था पिताजी का, बहुत बड़ा, हमें पता नहीं था इस बात का। तो मैं वो फ्लावर खेलने लगी, जैसे एक फ्लावर मेरे से टूट गया, तो बस वो था ना कि जब से आए ना, मेरे 2 भाई हुए, उस फूल के टूटने के बाद मेरा 1 भाई चला गया। और हमें तो बहुत विश्वास है, हमें सब कुछ मिलता है यहाँ डेरे आके, बहुत हम बहुत लकी हैं। मैम, सोसाइटी को क्या दिया है गुरुजी ने? बहुत कुछ दिया सोसाइटी को पिताजी ने। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया है? ऐसा कोई काम नहीं है जो पिताजी ने नहीं किया, मैं बता नहीं सकती कि पिताजी ने बहुत ही किया है। आपको कितना फेथ है गुरुजी के? मुझे तो बहुत ज़्यादा बिलीव है। क्यों? मुझे तो पिताजी ने इतना कुछ दिया है ना, मैं वर्णन ही नहीं कर सकती कि पिताजी ने मुझे क्या दिया है। हमारी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए उनका क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। तो बस ये दुनिया है जो पिताजी को पता नहीं क्या क्या कहती है, हम सुन ही नहीं सकते। फेसबुक पे हम कुछ करते हैं तो दुनिया छोड़ती नहीं है, पिताजी बस आप जल्दी से आ जाओ, हमारे से अब नहीं रहा जाता बस। क्या आप समाज के लोगों को क्या बताना चाहोगे? हम समाज के लोगों को बस यही बताना चाहेंगे कि जो इंडिया में जहाँ भी नहीं है कुछ भी नहीं मिलता, और यहाँ हमें डेरे में आके बहुत कुछ मिलता है। बस यही बताना चाहती हूँ कि इससे अच्छी सेफ जगह और कहीं नहीं है। इंडिया की आर्मी के लिए क्या किया गुरुजी? पिताजी ने आर्मी के लिए बहुत कुछ किया है। कहीं मान लो भूकंप वगैरह आता है, पहले वहीं जाते हैं, और कोई नहीं पहुंचता, जहां आग लग जाती है वो पूरी सेफ्टी के लिए उन्होंने ग्रीन एस की फोर्स की बनाई हुई है, तो सारे पहले सबसे पहले वहीं पहुंचते हैं। वो जो आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, कुछ भी नहीं है। पिताजी तो हमारे बहुत सच्चे हैं, और पिताजी बस हम यही कहते हैं कि पिताजी प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप आ जाओ। ज़रूरत है मैम उनकी, बहुत ज़रूरत है। इम्पैक्ट क्या पड़ा है 3-4 सालों से जब से समाज में नहीं है? बस सारा कुछ ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं लाइफ में कुछ भी हमारे से, कि सब कुछ छीन गया है हमारे से पिताजी के जाने के बाद। क्या मांग करोगे आप सरकार से? हाँ जी, सरकार से क्या मांग करोगे? बस सरकार से हम यही मांगते हैं कि हमारे पिताजी को जल्दी से जल्दी आने दी, और बस हम अपने पिताजी के साथ रहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। लगातार आपके सामने आ रही हैं वो लड़कियां जो डेरा सच्चा सौदा में जाती रही हैं। हजारों लड़कियां वीडियो के माध्यम से समाज के सामने आकर चीख चीख के बता रहे हैं कि झूठे आरोप सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा के ऊपर लगाए जा रहे हैं, झूठा बदनाम किया गया है इन लड़कियों को, डेरा सच्चा सौदा को व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा को, मीडिया के सूत्रों के हवाले से। आखिर क्यों एक समाज सुधारक को बदनाम किया गया? ये लड़कियां सवाल कर रही हैं समाज से और सरकार से, इंसाफ की मांग कर रही हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।